मेरी बात सुनो, स्टाफ है, काम करता है, तनख्वाह लेता है, हम लड़के हैं इनकी तनख्वाहों के लिए। वर्क डोंट दे वर्क, अगर आप लोगों ने काम ही नहीं कर रहे हैं तो काय को इतना सरकार के ऊपर वो डाला जाए, क्यों लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाए? इससे अच्छा तो ना मैं ताला लागे बाहर ताला लगा दू। व्हाट इज दिस? एस डी एम साहब हो गया रहा है, नहीं किसने देखने हैं? आप मुझे बताओ ना जी, पांच पांच साल के, सात सात साल के मैंने पैसे दे दिए और लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा है, मैंने शहर के काम कराने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है। ये 447 अंडर स्क्रूटनी सिंस वेन? सिंस वेन? मेरी बात सुनो, स्टाफ है, काम करता है, तनख्वाह लेता है, हम लड़के हैं इनकी तनख्वाहों के लिए। व्हाट डोंट दे वर्क? क्या क्या जवाब दें जनता को? ये 457 अंडर स्क्रूटनी, और कब से अंडर स्क्रूटनी है? इससे अच्छा तो ना मैं ताला लागे बाहर ताला लगा दू, सारों को बाहर निकाल दे। अगर आपने काम ही नहीं करने, अगर आप लोगों ने काम ही नहीं कर रहे हैं तो काय को इतना सरकार के ऊपर वो डाला जाए, क्यों लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाए? तो भाई थोड़ा प्रोवेटिव कराने लगा है सर, मैंने आने के बाद सोफा ही लेकर। हेलो, मैंने तेरे को एक फॉर्म भेजा है, वो भर के भेज दे और नड्डा जी को भेज देंगे, बात हो गई है मेरी। और पर वो कह रहे हैं कि वो सरकारी नहीं है, पेड है, प्राइवेट है। ऐसा है, मैंने शहर के काम कराने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है। तो बहुत बुरा हाल है, मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी सात सात आठ आठ साल से पेंडिंग पड़े हैं, आठ आठ साल से। मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया, इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सेंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया। इसमें तय बजाने वाली कोई करी है? नहीं सर, इसमें तय बजाने वाली। क्यों? आपकी 195 प्रॉपर्टी है तय बजाने वाली है। व्हाई दे आर पेंडिंग? अंडर विच लॉ, अंडर विच रूल दे आर पेंडिंग? मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा, ये बता। और मैं नहीं बोलता कुछ, ये सारे अप टू डेट करा के आप मुझे 3 दिन में दे रहा हूँ। 3 दिन में चाहे ये काम है चाहे वो काम है, उठा लेने बहुत दोनों उठा लेने से इनके पास पहुंच। व्हाट इज दिस? एस डी एम साहब हो गया रहा है, नहीं किसने देखने हैं? इज दिस माई जॉब? आप मुझे बताओ ना जी,
पांच पांच साल के, सात सात साल के मैंने पैसे दे दिए और लोगों को लाभ नहीं मिल रहा ड्यू टू द नेगलिजेंस ऑफ दिस म्यूनिसिपल कमेटी। मैं रोज पूछता हूं, आप बताओ कितनी बार मैंने पूछा, आप बताओ कितनी बार मैंने पूछा, मुझे दुकानों को दिखाओ कितनी पेंडिंग है, दिखाओ कहां से आया क्या आया, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका भी उसके आगे भरना चाहिए भी ये कंप्लीट हो गया, दे नो रिकॉर्ड। मैंने तीन दिन का टाइम दिया, तीन दिन बाद गुस्सा मुझे बहुत आया और मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीन दिन के बाद मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, लोगों के रजिस्ट्री हैं, लड़के हमने मंजूर कराए हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, आज भी लोग मेरे को मिले, मैं किस लिए फिक्स अकाउंटेबिलिटी, हु इज डीलिंग, 425 प्रॉपर्टी तो अंडर स्क्रूटनी है, हु इज, इसका मतलब कि आपने फाइल बना ली हुई है अंडर स्क्रूटनी 425, परसों करूंगा मैं कार्रवाई।